नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। थाना लांबड़ा के अधीन आते गांव ताजपुर की चर्च में एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद हुआ हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पूर्व गैंगस्टर भूपिंदर सिंह उर्फ सोनू कंगला के अमृतसर के गुज्जरपुरा स्थित घर में की रेड, गांववासियों में डर का माहौल। जालंधर के पौश इलाके कालिया कॉलोनी फेज 2 में 2 घरों में कमेटी के पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, चले ईंट पत्थर। और अब हलचल विस्तार से। थाना लांबड़ा के अधीन आते गांव ताजपुर में स्थित चर्च में उस समय हंगामा हो गया जब दिल्ली से आए एक परिवार की 4 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दौरान परिवार ने दोष लगाते हुए कहा कि दिल्ली से आने जाने के कारण उनका अब तक 65,000 रुपये खर्च हो चुका है, फिर भी उनके बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। इस दौरान पुलिस के दिए बयानों में दिल्ली निवासी पिंकी और उसके पति चंदन मोहन ने बताया कि वे अपनी 4 वर्षीय बच्ची के दिमाग के कैंसर का इलाज दिल्ली से करवा रहे थे। दंपत्ति के अनुसार पिछले 9 महीने से लगातार वे हर रविवार अपनी बच्ची को स्वस्थ करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनका आरोप है कि रविवार सुबह 3 बजे वे दिल्ली से जालंधर पहुँचे थे और ताजपुर स्थित चर्च में पादरी द्वारा प्रार्थना के दौरान बच्ची का इलाज किया गया था, जबकि दोपहर को बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना लांबड़ा के सब इंस्पेक्टर जीत सिंह, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अमन सैनी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करवाने के बाद उन्हें एक गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें परिवार बच्ची के शव को लेकर दिल्ली रवाना हो गया। साढ़े को मैनू एक पत्रकार भरा वालों मैसेज मिलिया सीगा कि एक किसी गुड़िया की डैथ हुई है चर्च के कोल, तो उत्थे मौके पर मेरे वालों जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने भेजा गया सीगा, तो बाद चो मैं खुद भी गया सीगा उत्थे मौके पर। परिवार के 8 जी उत्थे आए हुए सीगे। एक गुड़िया 4 साल की हैगी है, तो दिल्ली नांगलोई के रहन वाले है, तो इन ये गुड़िया कैंसर की पीड़ित सी गुड़िया, जिदा कि इलाज चल रहा है। पहले तो उत्थे दिल्ली किसी हॉस्पिटल चल रहा है, बाद चो एम्स के ट्रीटमेंट किया गया। जो सानू पता लगा है इन्हें परिवार ने जो गल की, तो उन्होंने दसिया कि असं इधर यूट्यूब पर कोई चैक किया, पता लगा कि उत्थे जानना भी कोई ठीक हो सकता बच्चा, तो जिस तो बाद पिछले 9 महीने तो इतने आ रहे थे। तो अज क्योंकि डॉक्टर ने पहले जवाब दिता अज गुड़िया की इतने डैथ हो गई। परिजन ने जो मैं तुम्हें दसिया, परिजन ने साढ़े को यही स्टेटमेंट लिखाई अपनी। उस तो बाद परिजन का यह गरज सगा जो जो असं इतने मौके पर पहुंचे कि साढ़े कोई जान का साधन नहीं है, जो बच्चे की बॉडी और डीकंपोज हो जाएगी, साड़ी मदद की जाए। पहले शायद उन्होंने चर्च वाले ने भी किया या उत्थे जिन्हें भी लोग सके अवेलेबल उन्होंने किया, तो जिस करके असी फिर उन्होंने नाल दे नाल असी उन्होंने नाल टैक्सी का अरेंजमेंट किया है, गड्डी का अरेंजमेंट किया ताकि उन्होंने अपने बच्चे समेत। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से राज्य भर में एक ही समय के दौरान गैंगस्टरों के घरों में रेड करने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते अमृतसर के गुज्जरपुरा में पूर्व गैंगस्टर भूपिंदर सिंह उर्फ सोनू कंगला के घर में एनआईए की टीम ने छापामारी की। लगभग 11 बजे एनआईए की टीम, जिसमें लगभग 10 सदस्य शामिल थे, उनकी ओर से घर को घेरा डाल लिया गया और सोनू कंगला के घर की तलाशी ली जा रही है। वहीं एनआईए की टीम द्वारा की गई छापामारी को लेकर गुज्जरपुरा इलाके में डर का माहौल पाया जा रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जालंधर के पौश इलाके कालिया कॉलोनी फेज 2 में 2 घरों के पारिवारिक सदस्यों में कमेटी के पैसों के लेन देन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि इस दौरान ईंट पत्थर तक चल गए। ये भी कहा जा रहा है कि इस विवाद के दौरान गोली भी चली है। वहीं इस बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि गोली चली है या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ एक परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि होशियारपुर से किसी गैंगस्टर को बुलाकर उन्हें धमकाया भी गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एक पक्ष की जसविंदर कौर ने कहा कि उनकी पड़ोसन नीतू ने गैंगस्टर बुलाकर अपने साथियों सहित उनके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गैंगस्टर फिरौती के रुपए मांगने के लिए आए थे,
उन्होंने उनके बुजुर्ग पारिवारिक सदस्यों को धक्का दिया, फिर फिरौती मांगी और उनकी बेटियों को धमकाया और छेड़छाड़ भी की। वहीं दूसरी तरफ महिला की पड़ोसन नीतू का कहना है कि कमेटी के 15 से 20 लाख रुपए को लेकर उनका पड़ोसन के साथ विवाद चल रहा था और जब उसने उन रुपयों का हिसाब और रुपए मांगने की बात की तो पड़ोसन ने अपने पारिवारिक सदस्यों सहित उनके परिवार पर हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना 1 के प्रभारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कालिया कॉलोनी में विवाद हुआ है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। दोनों परिवार वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और गोरी चलने की बात भी कर रहे हैं, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि गोली चली है या फिर नहीं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इतने कालिया कॉलोनी फेज 2 के इन्फॉर्मेशन आई भी इतने झगड़ा होया, अज इतने मौके के उ पुलिस पहुंची है। देखिए इतने दो लेडीज ने, एक नीतू है एक जसविंदर कौर है। इन्हों का आपस में कमेटियां का लैन देन सीगा। जी जसविंदर कौर है इल्जाम ला रही है भी नीतू मेरे घर 5-7 बंदे लैके आई है, इन्हों ने इटा रोड़े मारे आ, बाकी वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई कर फिलहाल कोई पता नहीं, अजे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं गोली चली है, पर देखने अजे कोई खोल वगैरह मिलेंगे, वेरीफाई किया जाएगा। सीसीटीवी लगे हुए कैमरे इतने वेरीफाई कर जरा नंबर मिलाया वो देख उन्होंने मिला के गलबात हुई है, पर वो लड़का कह रहा मैं पठानकोट तो बोल रहा मैं इतने नहीं आया। करीब 3:30-4 की घटना है। भाजपा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जालंधर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा के कार्यों को हमेशा पहल देती आ रही है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस आ रहा है। इस दिवस के अवसर पर देश के हर राज्य में रक्तदान शिविर और नए पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर अश्विनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि आप पार्टी पंजाब के पैसों को दूसरे राज्यों में जाकर विज्ञापन पर खर्च कर रही है, जिससे आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। आने वाले चुनावों में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा लाया गया था उसकी भी जाँच की जाएगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी के पैसे में भी घोटाले किए गए हैं, जिसकी गहनता से जांच की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रचनात्मक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जिहड़े समाज दे निमन वर्ग लई सेवा दे काम, जिहनूं असीं कह सकदे हां सेवा दे कम्मां दे रूप दे अंदर पार्टी कई कार्यक्रम लैंदी है। और क्योंकि 17 सितंबर नूं देश दे प्रधानमंत्री जी दा जन्म दिहाड़ा आ रहा, और 17 तों लै के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी कल्ले पंजाब ही नहीं, पूरे देश ही उन्हों 15 दिन के अंदर सेवा कार्य करती है, जिदे अंदर ब्लड डोनेशन करना, पेड़ लगाना, सफाई अभियान और टीकाकरण, फ्री मेडिकल चेकअप, ऐसे सेवा दे काम समाज दे अंदर पार्टी करेगी। उहदी योजना जिहड़ी अज बनी है और ये कार्यक्रम हर मंडल स्तर ते जिले दे अंदर और पिंडां दे तक भी पार्टी ने करन दी योजना बनाई है, उहदे तहत अज इह बैठक जिहड़ी होई है। जालंधर के वायरल कपल के साथ मशहूर पंजाबी अदाकारा नीरू बाजवा व तरसेम जस्सर ने कुल्लड़ पिज़्ज़ा बनाया। गौरतलब रहे कि यह कपल नीरू बाजवा को समझाते रहे और उन्होंने देखते ही देखते कुल्लड़ पिज़्ज़ा बना दिया। इस बीच वे सब मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए, तो वहीं वायरल कपल के साथ नीरू बाजवा और तरसेम जस्सर ने भांगड़ा भी डाला। गौरतलब रहे कि हाल ही में यह कपल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, क्योंकि लाल चूड़ा डालकर अपने पति के साथ वह एक फूड स्टॉल चला रही है। दोनों की लव मैरिज है और पिछले 3-4 महीनों से यह दोनों मिलकर फूड स्टॉल चला रहे हैं। लोगों को उनका कुल्लड़ पिज़्ज़ा बहुत पसंद आ रहा है। दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है, जिस वजह से स्टॉल पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में बंदी सिंगों की रिहाई के लिए गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन में समूह संगतों ने एकत्रित होकर अरदास की, जिसके बाद उनकी ओर से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक रोष मार्च निकाला गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर और गले में बेड़ियां डालकर अपना रोष जाहिर किया और डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी दिया।
इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर नगर के प्रधान जगजीत सिंह गाबा ने कहा कि वह पहले भी कई बार प्रशासन और सरकार को मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 32 वर्षों से कई नौजवान जेलों में कैद हैं, जबकि उम्र कैद 32 वर्ष की सजा नहीं होती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिखों और गैर सिखों के लिए सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की बी टीम है। जहाँ भाजपा खुद जीत नहीं सकती, वहाँ वह आम आदमी पार्टी को भेज देती है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। श्रोमणी कमेटी वालों प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ 27 ਸਾਲ, ਕੋਈ 28 ਸਾਲ, ਕੋਈ 32 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੀਓ ਜੀ ਸਕੀਮ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਕੀ ਬਹਾਲੀ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਲਵਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੋ ਸੇ ਜੀਓ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੈਂਕੜੋ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मंत्री फौजा सिंह सरारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको सैनिक मंत्री लगाना पंजाब सरकार की बड़ी गलती है। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर कमल वर्मा और कैप्टन गुलाब सिंह ने बताया कि 2017 में पंजाब में जीओजी स्कीम चलाई गई थी, जिसमें आर्मी से रिटायर्ड फौजी भाई जीओजी स्कीम के तहत पंजाब में लोगों की सहायता करते थे। लेकिन मौजूदा पंजाब सरकार की तरफ से जीओजी स्कीम को बंद कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पंजाब के मालवा इलाके के अलग अलग शहरों से जीओजी संगरूर पहुंचे और संगरूर के बरनाला चौक पर आवाजाही बंद करके पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इसका कारण बताया जाए कि पंजाब में जीओजी स्कीम को बंद क्यों किया गया है और इस स्कीम को जल्द ही बहाल कर दोबारा चलाया जाए। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं पूरी करेगी तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਓਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से राज्य जनरल सचिव सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में आप सरकार के मंत्रियों के घरों के घेराव का पंजाब स्तरीय ऐलान के चलते अमृतसर में कैबिनेट मंत्री इंद्रवीर सिंह निज्जर के घर का घेराव किया गया। इस मौके पर किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार को पंजाब के लोगों की मांगों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें हल करना चाहिए। इसके अलावा किसानों की जो भी मांगे हैं उन पर गौर कर उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर उनकी मांगे ना मानी गई तो इसके बाद जत्थेबंदियों की मीटिंग कर आगे की संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ਵੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ PAU ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2050 ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ
1600 रुपये रेट मिलता सी। इहदा मतलब पौने 500 रुपया साढ़े कोलों उदों लग्या हैगा वा। ये वाजब रेट ना मिलने करके साढ़े सिर करजा चढ़ गया हैगा। तो एक बार असी कहने किसान मजदूर के सिर तो करजा भी लाया जाए। दूसरी साड़ी मंग आ कि जे खेती सैक्टर का रीहैबिलिटेशन किया जाए, मुना लाहेमंदा बनाया जाए, ये आधार पर सनत लाइया जा 70% रुजगार सानू मिल सकता। जिमें गन्ना वा जी गन्ने ते मिल लगती है रुजगार दें, तो गन्ना साड़ी फसल आ, कपाह साड़ी फसल आ, तो कपाह के आधार पर जी मिल आ वो सानू इंडस्ट्री दें। पर ये जड़िया ग्लोबलाइजेशन की नीति आई है, जी कारपोरेट की नीति है, वो ये सारे मसलों रद्द कर दी है। ये नाल दी नाल रुजगार साडा सारिआं दा सांझा मुद्दा वा पंजाब दा। देश की जेलों में पिछले लंबे समय से बंद, अपनी सजा पूरी कर सिख कैदियों को रिहा करवाने के लिए श्रोमणी अकाली दल और SGPC लंबे समय से आवाज उठाता आ रहा है, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते पंजाब में SGPC की ओर से जिला हेडक्वार्टरों पर काले कपड़े पहनकर अपनी सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों को रिहा करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री के आवासीय शहर संगरूर में SGPC के पूर्व अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल की अगुवाई में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर काले कपड़े पहनकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके सिख कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, जबकि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा कर दिया गया है, बलात्कार के आरोप में बंद कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है लेकिन सिखों को नहीं, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र देकर यह संघर्ष किया जा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक तहिया किया और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों आदेशों के मुताबिक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी पूरे जतनशील है और ये तहत ही अज जरा धरना साढ़ा हेडक्वार्टर दिता जा रहा है। काले चोले पा के कालिया दस्तारा सजा के और इस तरह कालिया झंडिया लैके सारे साडे वर्कर साहबान अज आए हैं और साडे गुरु घर के जिहड़े प्रधान ने वो आए ने, श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहब आए ने। सिख बंदी सिंघां नूं 32-32 साल, 28-28 साल, 27-27 साल उन्हां नूं जेलां विच हो गया। दूजे पासे प्रधानमंत्री दा राजीव गांधी दे कातलां नूं छड्डिया गया। इत्थों तक कि अपने गुजरात दे वड्डे बहुत वड्डे जिहड़ा अपना सामने होया बलात्कार उन्हां नूं छड्डिया गया, लेकिन सिखां नूं सजावां पूरियां करके भी नहीं सकदा। साडे नाल इस देश दे विच सिखां नाल इंसाफ नहीं है। इस करके सिखां दी सरमोर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत वड्डा तहिया कीता, वड्डी लड़ाई छेड़ी है, वड्डा कम कीता है, वड्डे मते पाए ने, उहदी लड़ी वजों ही अज इह काले चोले संघर्ष सारे पंजाब विच हो रहा है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। थाना लांबड़ा के अधीन आते गांव ताजपुर की चर्च में एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद हुआ हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पूर्व गैंगस्टर भूपिंदर सिंह उर्फ सोनू कंगला के अमृतसर के गुज्जरपुरा स्थित घर में की रेड, गांववासियों में डर का माहौल। जालंधर के पौश इलाके कालिया कॉलोनी फेज 2 में 2 घरों में कमेटी के पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, चले ईंट पत्थर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।